हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने डिजिटल आईडी फेस ऑफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का दबाओ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपकी वेबसाइट का यूआई एंड यूएक्स। क्या होता है यूआई एंड यूएक्स? इसका सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस। लोगों को आपकी वेबसाइट कैसे लग रही है एंड उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेलली कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, 5 to 10 वेबसाइट्स के। आप उनकी वेबसाइट के भी एग्जांपल ले सकते हो, और आपको और डिटेल में जानना है तो इस मेरे को कमेंट में लिख के बताना, तो मैं इसमें एक और डिटेल में पूरा वीडियो बनाऊंगा। आपको इस वीडियो में सारी चीजें हम समझाने वाले, और आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो हमारी सीरीज है ये पूरी, आप पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो हम बिना देरी के हुए हम चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। आप देख सकते हो ये मैंने रिसेंटली अपना GoDaddy सर्टिफिकेशन हो गया हूँ। अगर आपको भी GoDaddy का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो ये साइड है, और यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। और आप सर्टिफाइड हो जाओगे तो आपको लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और फ्रीलांसर में आप इनपुट हो जाओगे। तो सर्टिफिकेशन लेने के लिए देख सकते हो ये वेबसाइट है जहाँ से आप सर्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें आपको सीखने और जानने मिलेगी। और देख सकते हो हम ऊपर आएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा दिखेगा यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, क्या फ्यूचर्स है, क्या करियर्स है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और कौन कौन कर सकता है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने मिलेगी। आप जाके विजिट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे देखो कूपन कोड अप्लाई करने का, अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप अप्लाई कर लो और सर्टिफाइड हो जाओ। हृदय जी, आप थोड़ा यूआई यूएक्स के बारे में 2 मिनट समझाओ थोड़ा। आपकी वेबसाइट खोलो सर। मेरी हाँ हृदय जी, स्टार्ट करो थोड़ा यूआई यूएक्स के ऊपर। आप ये चीजें पाट लो तो मैं डिजाइनिंग बताता हूँ। कुछ नहीं सर, बस वही है। देखो गाइस, आप सबको जो वेबसाइट बनानी है ना, सब पहले म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ कर दिया। अरे गाइस वही चीज है, देखो गाइस ऑब्वियस सी बात है, हम सब यहाँ पे ब्लॉगर्स, अमित सर ने सब कुछ सिखाया। ठीक है, उससे भी पहले एक बहुत सही चीज आती है जैसे बोलते वेब डिजाइनिंग। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे आपको हम वेबसाइट बना रहे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इट्स ऑल अबाउट मोबाइल के यार लुक्स, सारी चीजों की भी ध्यान रखते हम। ठीक है, बहुत सारी सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, सबका अच्छा अच्छा मतलब इंटरफेस अच्छा होता है, दिखता अच्छा है। ठीक है, अब आप ऐसी वेबसाइट कभी जाना पसंद नहीं करोगे जो खिचड़ी है एकदम, जो देख के मजा ही नहीं आ रही। तो गाइस वही चीज है, हमें सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो डिस्प्ले का रखना है। ठीक है, हमें वेबसाइट पे एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या क्या करना है। ठीक है, मतलब क्या क्या दिखना चाहिए। आपकी खुद की निश के ऊपर वेबसाइट है, जैसे सर के डिजिटल मार्केटिंग है मेरा आर्ट है। ठीक है, तो वो अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं। हाँ कुछ पेजेस की सिमिलैरिटी है, बट दोनों का यूआई और यूएक्स टोटल डिफरेंट है। यस, हर एक वेबसाइट का यूआई और यूएक्स टोटल अलग होगा, सबका अलग, क्योंकि सबकी थीम्स अलग होगी। हाँ कुछ कुछ की थीम भी हो सकती सेम। ठीक है, उनका यूआई सेम है बट यूएक्स अलग होगा। बिकॉज जरूरी थोड़ी ना है कि अगर मैं क्या बोलते हैं जो एक 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 चीज पे कंटेंट है वही सेम टू सेम दूसरे दूसरे थीम की वेबसाइट है उस पे भी सेम हो, कुछ और भी हो सकता है। सर siddharthveera.com भी खोलना है, इस पे सारी वेबसाइट खोलते रहो सर। अब हाँ, अब गाइस देखो कुछ नहीं कर रहे हम, सारी वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है सर, और भी खोल दो ना आप, मैं सर सबकी देख रहा आता हूँ, जिन जिन जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे ना सबकी, तो कोई नहीं। हाँ तो गाइस देखो ये मेजर एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से कल पर्सनली बात भी की थी और सबको मैंने समझाया भी है कैसे करना है। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ रहे, एक ही साथ सब कुछ नहीं हुआ, तो यस आज और कल में भी हमें ये चीज करनी है। ठीक है, पूरी की पूरी।
बिकॉज देखो गाइस आप पोस्टिंग तब स्टार्ट कर पाओगे जब आपके बेसिक चीजें रेडी हो, ठीक है। और बेसिक चीजों के लिए आपको बेसिक 5 पेज समझाए गए ऑलरेडी, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी और डीएमसी। बट अब मैंने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा डीप जाना चाहूंगा यही चीज में, ठीक है, कि यार होम पेज तो होम पेज एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, अबाउट अस तो अबाउट अस एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस तो कॉन्टैक्ट अस एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी तो प्राइवेसी पॉलिसी एग्जैक्टली होना कैसे चाहिए, डीएमसीए तो सारी चीजें थोड़ी सी स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। सी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट होम पेज, ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे ना सब सबकी थीम अलग है तो सबके होम पेज भी अलग होने वाले, सबके होम पेज भी अलग होने वाले, ठीक है। सी होम पेज इज जस्ट यू नो ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज इन योर वेबसाइट, होम पेज वो सारी के सारी चीज का, ठीक है, एक क्या बोलते कंपाइलेशन है अबाउट अस का, गैलरी का, ब्लॉग का, सोशल मीडिया पोस्ट का, सारी चीज का कंपाइलेशन आपका होम। तो गाइस होम पेज पे ना कुछ बेसिक चीज है जो मैं चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभी वेबसाइट अमित सर क्या बोलते बताएंगे तब मैं होम पेज का आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, ठीक है। बट होम पेज को आपको दिखा के समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस की बात कर लेता हूँ तब तक, वो बहुत ही ईजी है कंपैरेटिवली। देखो गाइस जो लोग भी यहाँ पे अबाउट अस पेज लिख रहे हैं ना, आपको कुछ 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अबाउट अस पेज, ठीक है, इट्स अबाउट अस ऑफ योर वेबसाइट, अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर वेबसाइट, दोनों चीजें, ठीक है। तो गाइस ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे तो और अच्छे समझ पाओगे। अबाउट अस पेज में है ना आपको कुछ 3 से 4 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले खुद के फोटोज लगा वहां पे, ठीक है, कौन उन लोगों को दिखना तो चाहिए, यार है कौन बंदा बंदी या फिर क्या करता है जिंदगी में, खुद कौन है जानना चाहेंगे ना लोग आपके कंटेंट देखेंगे। तो गाइस खुद का फोटो लिखो, खुद के बारे में अच्छा सा पैराग्राफ लिखो। देखो गाइस मैं मानता हूँ खुद की तारीफ खुद करना अलग अजीब बात है, बट यस सीखो, ठीक है। यस आपको खुद के बारे में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाजू में यार उसके साइड में आपको अपना फोटो लगाना है, ये चीज बेसिक है। उसके बारे में एक और पैराग्राफ लिख दो अपनी वेबसाइट के मिशन और विजन के लिए, यस ये भी चीज लिखनी है। आपका ब्लॉग बना है तो कौन सी नीड सेटिस्फाई कर रहा है वो, जैसे यहाँ पे एक है techiebio.com हमारे रिया जी का, तो बायो टेक्नोलॉजी के वो बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर रहा है। व्हाट्स योर मिशन एंड विजन, योर बायो टेक्नोलॉजी का मिशन विजन नहीं, आपका मिशन क्या है कि आप कैसा कॉन्टेंट प्रोवाइड करोगे आने वाले टाइम में विजिटर्स को, जिससे वो बायोटेक्नोलॉजी के वो एस्पेक्ट भी कवर कर सके जो आज तक लोगों को नहीं पहुंच पाए। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल एकदम इजीली दे दिया। ऐसे आपके निश के अंदर आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ये आना चाहिए आपके अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है गाइस। और ये चीज तो लिखावट होगी ज्यादा से ज्यादा, इमेजेस भी यूज करो, अपने ही पोस्टर्स बनाना सीखो, पोस्टर चलो ये मैं बताऊंगा फिर कैसे करना, बट यस नॉर्मल इमेजेस अपना भी लगाओ, मिशन और विजन, ठीक है। तो एक मिशन का एक बढ़िया वाला इंटरनेट पे फोटो ले लो, कोई इंसान पहाड़ चढ़ रहा है, मिशन कंप्लीट कर रहा है, बिकॉज देखो गाइस लोग पढ़ने में तभी इंटरेस्ट रखेंगे जब उनको दिखेगा कि भाई कुछ सही है। अगर इमेज इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है दे चांसेस है कि वो पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। एंड यस अबाउट अस पे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि आप कौन हो जानना लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। ऊपर से सोशल मीडिया आइकन, यस आपको स्टार्टिंग में क्यों बोला गया था कि सोशल मीडिया पेज बनाओ, क्योंकि वेबसाइट के बाद वेबसाइट पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लोग वेबसाइट पे ज्यादा प्रेफर नहीं करते इंटरेक्ट करने के लिए, बट यस दे वांट टू सी यू हाउ यू आर सोशली, एंड सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच एक्चुअली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सोशल टू ऑल योर विजिटर्स एंड ऑल योर व्यूअर्स, ऑल योर ऑडियंस, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आप अपने फोटोज भी डालोगे, कंटेंट का तो डालोगे, बट अपने भी प्राइवेट फोटोज डालोगे आप। अब प्राइवेट मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, आप क्या क्या बोलते हैं एक्चुअल में वर्क कर रहे हो, ये सारे इसीलिए सोशल मीडिया भी यहाँ पे काम। और बेसिक देखो मैंने जो बताया 3 सोशल मीडिया मेन है, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। तो गाइज ये सबके आइकन्स आपके अबाउट अस पेज में भी होने चाहिए, यस, कि अगर किसी को आपको सोशली कनेक्ट होना तो वो भी आपसे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो गाइज ये भी एक फैक्ट है। इसके साथ साथ अगर बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स हैं, लाइक हॉर्मोन बस, मेडी माइक्रो, एक्सप्लोर स्किल्स, ये सारे लोग है ना ब्लॉगर्स हैं। क्या बोल रहे हो,
हाँ रेडी हो गया। हाँ ये सब ब्लॉगर्स है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, आप है ना, ज्यादा से ज्यादा आपका कंटेंट है ना टेक्स्ट में होगा, रिटर्न में होगा, ठीक है। आप अपने वेबसाइट के लिए सब्सक्राइब लेटर भी बना सकते हो कि यार अगर आप ईमेल डाल दो, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके वेबसाइट पे पहले पहुंच जाएगा। मुझे बताइए, फेसबुक पे अगर कोई लाइक करता है, इंस्टाग्राम पे अगर कोई लाइक करता है, तो नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? आता है तो आप अच्छा देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो ना। क्यों, अरे किससे लाइक किया? मुझे बताइए, अगर आपकी वेबसाइट पे मैं ऐसी फैसिलिटी आपको दे दूं कि आपके वेबसाइट पर कोई भी न्यू पोस्ट करो, या आपकी वेबसाइट पे भी कोई सब्सक्राइब करे, पता आपने यूट्यूब पे देखा रहेगा सब्सक्राइब का तो ऑप्शन रहता है, बट उसके साथ एक और ऑप्शन रहता है ज्वाइन। किस किस से देखा है वो ज्वाइन वाला ऑप्शन, ब्लू कलर का होता है सब्सक्राइब के बाजू में। अब वो ज्वाइन क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। ज्वाइन इज अ वेरी टारगेट, मतलब जो ऑडियंस वो यूट्यूबर को बहुत ही उसके सारे कंटेंट को देखना चाहती है, चाहे वो पेड भी क्यों ना हो, ये तक चीज आप कर सकते हो, स्पेशली फॉर ऑल द ब्लॉगर्स, ठीक है, जो भी जिसका कंटेंट ज्यादा ज्यादा ब्लॉगिंग के रिलेटेड है। देखो गाइस, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये है technovigyan.com, ठीक है सर, थोड़ा नीचे जाइए, ये होम पेज है टेक्नो विज्ञान का। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ योर ऑल वेबसाइट। यस, ये वेबसाइट है, ध्यान से देखो गाइस, ये टेक्नो डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी वेबसाइट है, होम पेज देखो। ये नन्ही मुन्नी मेरी साइट, ये अमित सर की साइट है, उसका होम पेज देखो। ये मेरी वेबसाइट, देखो गाइस, हाँ देखो, मैं सारे लिंक्स भी शेयर करूंगा, देखो ये सब कुछ। पहले देखना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा ना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप में आपने देखते रहोगे हमेशा, खैर दोनों एक दूसरे और ना सब कुछ ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो ये वैसा ही है। आपको दूसरे वेबसाइट के लोगों को भी ध्यान से देखना है, ताकि आप उनसे देखो देखो यहाँ पे देख रहा है ये, वी वुड लाइक टू शो नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। अगर मैं इसको अलाउ कर दू ना, तो जब जब woodpool.com नया पोस्ट करेगी, तब तब मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, woodpool.com has posted something new। देखो ये वेबसाइट, ये वेबसाइट पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग और वो सब के रिगार्डिंग है सर। नेक्स्ट वेबसाइट पे जाओ, मैन बिहाइंड woodpool, ये हमारी एसोसिएट राइटिंग, सेफ योर चॉइस, राइटिंग इज माय पैशन, बहुत बढ़िया दिख रहा हूँ। देखो गाइस ध्यान से देखो, मेरा ही फोटो रखा है, वाह यूनी फैशन हब, इट्स ऑल रिलेटेड टू फैशन ब्लॉगिंग, ये हमारे हेतवी जी करके एसोसिएट है, उन्होंने बनाई है। अब देखो आपके खुद के फोटोज नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप नेट से भी ले सकते हो, मैं करो खुद के, हमारे जानवी जी की वेबसाइट है ये। हाँ देखो, ये सब्सक्राइब टू माय न्यूज़लेटर, ये हमारे एक, हाँ ये जो नीचे एकदम नीचे, हाँ ये ऐसा ऐसा आपको करना है, सब्सक्राइब करता हूँ मैं, कुछ जवाब देंगे या नहीं जाने, ये देखते। देखो अपने आप ऐसा आ गया, थैंक यू। नेक्स्ट वेबसाइट पे जाओ, explorskills.com, हमारे साहिल जी की वेबसाइट है, नीचे जाओ। अरे क्या आदत, थीम ही बढ़िया लगा है यार, आर्ट्स आशु हु हैज एक्चुअली वॉन द अवार्ड फॉर द आईटी प्रो फॉर द डिजाइनिंग। देखो कितनी प्रोफेशनल, कितने सिंपल डिजाइन है, मेरा फोटो सही, की सब बढ़िया है,
मजाक कर रहा हूँ, ये हमारी आरती जी की वेबसाइट है, देख रहे हो उनका खुद का डिजाइन। अरे कितने सारे में बेच रही है, देखो देखो $1500 वो भी महीने का। अरे बाप रे, थोड़ा चेंज नहीं है बेसिकली चीजें। हाँ बस वही वही कर देंगे, अभी डेवलपिंग में सारी चीजें। ये हमारी सिद्धार्थ वीरा सर की साइड। यस, ही इज एक्चुअली द क्या बोलते हैं, द मैन हु इज एक्चुअली, मतलब बोलते हैं ना जो इंडिया लेवल पे जो ट्रेनर्स है ना, जो आईटी एक्सपर्ट्स है ना, ये वो है, उनके खुद के नाम की वेबसाइट है। देखो देख ये वेबसाइट, आई एक्चुअली जस्ट, हाँ ये मैं जानवी जी, मैंने आपको कल ही बताया था ये चीज कि यार आपकी भी सेम वेबसाइट में बता दूंगी। यस ये वही है थी। देखो कितने ज्यादा डीप में आप जा सकते हो, नीचे जाओ नीचे जाओ, देखो यहाँ पे भी सेम है, 2000 रुपया। देखो ये चीज सर, न्यू नेक्स्ट वेबसाइट पे जाओ। ये हमारी फाइनल ऑनलाइन प्रमोटर कमिंग सून, ठीक है, और भी है, हम बाद में दिखाएंगे, पहले इतनी वेबसाइट देखो और समझो, ठीक है। अब गाइस ये देख के मतलब क्या, मैं बताता हूँ आप लोग को। सी सबकी थीम्स अलग अलग है, सबके निश अलग अलग है, सबके कंटेंट अलग अलग है, तो गाइस इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि हमें हमारा यूआई और यूएक्स अपने हिसाब से प्रिपेयर करना है। हाउ यू वांट टू सी योर वेबसाइट, आप कैसे चाहती हो कि आपकी वेबसाइट दिखे। एंड यस ये सारी चीजें देखो देखो मैं बहुत ही सिंपली बताएंगे, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, आप बहुत आसान, इतना भी डीप टॉपिक नहीं है, बट ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, आपको समझ में आता जाएगा कि यार यूआई यूएक्स ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जितना ज्यादा क्या बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, यस इसको सम अप करो तो यस, यूजर फ्रेंडली बनाना है आपको, ठीक है। तो यस देखो ये आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, जहाँ पे आप सारी चीजें एडिटिंग कर सकते हो, लोगो वगैरह एडिट करना है आपको तो कस्टमाइज साइट में जाके कर सकते हो, बाकी अगर जो भी चीज करनी है, ठीक है। तो ये थीम्स है, पहले सर दिखा रहे एस्ट्रा थीम, यस दिस इज द ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, जहाँ से आप सबसे बढ़िया से बढ़िया टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो, बड़े से बड़े ब्लॉगर्स, बड़े से बड़े क्या बोलते हैं वेबसाइट डेवलपर्स एस्ट्रा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एस्ट्रा का जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा सा प्रीमियम है, उसका जो सेटिंग्स है वो थोड़ा सा इजी है, दैट्स व्हाई हम हमेशा एस्ट्रा सजेस्ट करते हैं। देखो गाइस मैं ये थीम क्यों बता, क्योंकि आपको कभी थीम कस्टमाइजेशन, पहले लोगों को महीने लग जाते थीम कस्टमाइजेशन करने, हमने उसका भी इजी सॉल्यूशन निकाला है, हमने बता मैंने, ठीक है, एस्ट्रा बेसिकली वो वर्ल्ड एस्ट्रा अमित सर ने नहीं बनाया वैसे तो, एस्ट्रा ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे मतलब जो हम थीम डाउनलोड करवा रहे हैं ना वो आपको प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिल रहा है। अभी मुझे सोचो अगर आप लोग को मैं पूरा का पूरा नया मोबाइल दे दूं जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है, सब आपको खुद डालना है, कुछ भी नहीं मतलब ऐसा भी मतलब कुछ भी नहीं है, सेटिंग्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खुल रहा है दिख रहा है, तो सोचो कितना हार्ड पड़ेगा आपको वेबसाइट बनाने के लिए। ये थीम्स है ना, दिस आर ये कोई भी प्री डिजाइन टेम्पलेट नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, आपको पूरा का पूरा ऐसे डिजाइन करना है। अभी आपको क्या है, थीम में जाते हो एडिट करते हो काम हो गया। एस्ट्रा ने ये चीज सबसे ज्यादा आसान कर दी, इसीलिए हम आपको एस्ट्रा दिखाते हैं। सर इसमें जाएंगे टाइम वेस्ट होगा फुकट में, मैं सच बता रहा हूँ सर। सर एस्ट्रा के अलावा भी कोई थीम है? अरे ये सब तो है दिख रही नहीं, ये देखो ये सारी थीम्स है, एस्ट्रा एक प्लगइन, एस्ट्रा एक थीम है, हाँ ये सारी थीम्स है जो हम आपको पता है बोलते थे 20,000+ थीम्स, ये वो थीम्स है। हाँ सर बोलो बोलो। हाँ देखो ये सारी थीम्स अगर आपको चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, इससे कस्टमाइजेशन में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, समझ लो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, कस्टमाइजेशन में टाइम लगता है इसमें, समझ लो, इसमें कुछ लिमिट्स होती है, आपको सारे के सारे ये फीचर्स नहीं मिलेंगे इस थीम में, अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए उसके लिए पे करना पड़ेगा बायोपेसी, तो हमने उसका एक इजी सॉल्यूशन निकाला, टाइम भी बचे और वेबसाइट का लुक भी बढ़िया। ऐसी वेबसाइट आप टैबलेट के थ्रू भी बना सकते हो, कैसे, हम आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कराया था, क्या नाम था, एस्ट्रा साइट करके,
उसका यहाँ पे नाम आता है स्टैटिक टेम्पलेट। तो स्टैटिक टेम्पलेट पे क्लिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, स्टार्टर टेम्पलेट जब आपने सबने किया रहेगा तब यहाँ से आपको करवा रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट और बढ़िया बना सकते हो और अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। बाहर आप किधर जाओगे आपको उधर कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें। ऐसा ही सेम ये थीम भी होती है, थीम में आपको डिजाइन करने में ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप टेम्पलेट में जाओगे ना आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप बहुत सारे टैबलेट है, मैंने ये वाला टैबलेट यूज किया है, आरती जी का ये वाला है, शायद साहिल जी का ये वाला है। सोच रहे हो आप टैबलेट यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाए, समझ रहे हो आप। फिर सब आधी चीजें निकाल देते हो, रखते कुछ नहीं हो इसमें। जैसे टेम्पलेट दिया हो सके उतना रखने की ट्राई करो, क्योंकि वो उनको पता रहता है ना, डिजाइन इसीलिए तो किया है जो मेन जो चीजें वो चाहिए, देख रहे हो। तो गाइस ये चीजों का ध्यान रखो, ऐसे अपनी वेबसाइट डिजाइन करो। मेरी अभी मैंने बोला था डिजिटल शॉप करके मेरी एक न्यू साइट है, देखो गाइज ये है सब 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 डोमेन का सदुपयोग। आपको बता रहे गूगल जैसा था, अमित सर का भी सेम टू सेम आ रहा है trends.google.com digitalshop.itfaceoff.com। पता नहीं नेटवर्क इश्यू के कारण कांट बी रीच, कभी कभी हो जाता है यू नो, जिसे कहते हैं यहाँ पे आप शॉपिंग कर पाओगे ऑनलाइन अमेज़न के थ्रू, ठीक है। तो हमें ऐसी वेबसाइट डिजाइन करनी है, सबको समझ में आया? हाँ हाँ सर, सब समझ ही रहे क्योंकि सब यही तो डिजाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना गाइस। नहीं समझ में आ रहा है ना तो लीव कर दो, नहीं रे मस्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं गाइस सबने कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ सब बढ़िया, सब कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कोई जिम वाला नहीं है हमारे पास यहाँ पे, आपको और पेज बिल्डर्स भी मिल जाते हैं, चार पेज बिल्डर्स हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर यहाँ पे जिसके पास लैपटॉप है ना, ओके, आप लोग के लिए ये चीज यूज करना बहुत आसान है, बिकॉज मैंने ये चीज मोबाइल में ट्राई की थी। मैं सच बता रहा हूँ आप ये सबसे मोबाइल में थोड़ा सा एलिमेंटर फिर भी आसान है, बट गुटेनबर्ग और ये जो ब्रिजी है ना इट्स एक्चुअली बिट टफ, थोड़ा सा ये टफ है यूज करने के लिए मोबाइल में, ठीक है। मतलब उसके जो क्या बोलते हैं बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यस अगर आपके पास लैपटॉप है तो यस ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर, एक बार वहां जाके भी एक्सप्लोर करके देखना यार विच कुड बी अ वेरी ग्रेट साइट फॉर मी। सर इसमें एंड में जाओ एकदम, यहाँ पे एक थीम है जो मैं दिखाना चाहता हूँ गुटेनबर्ग में, एंड में एकदम एंड पे ना, यस ये 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 थीम एक्चुअली मैं लगाना चाहता था मेरे इसमें, ठीक है। बट यस गाइस अगर किसी को, अरे ये एंड में दिख रही है सर, एंड में देखो ये रही एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर सब बोलो ना तो मैं क्लिक करके दिखाऊं। हाँ यस ये तो मतलब मैं ये थीम देखना था, बट ये मोबाइल में थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी मतलब सही से काम नहीं कर, मतलब इसकी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो यस अगर किसी के पास लैपटॉप है तो एक्सप्लोर करो ये सारी भी और भी थीम्स हैं जितना मैंने, टैबलेट और लैपटॉप दोनों के लिए सही है, ठीक है। तो ऐसी भी थीम्स थोड़ी देख लो, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। एक्चुअली मैंने पूरी की पूरी थीम इंस्टॉल तो की थी एंड क्या बोलते हैं सारी की सारी चीजें भी देखी थी, बट यस अगर किसी को ये थीम में कुछ करना हो ना ये थीम को लेके, दिस इज स्पेशली फॉर पर्सनल ब्लॉगर्स, ठीक है। तो यार मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर करना, मैं आपको पूरा ए टू जी बताऊंगा कैसे क्या करना है। बस सर अब सर मेन देखो ये सारी चीज तो समझा दी, ये सारी चीज बेसिक है, ठीक है, टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा एग्जैक्टली पेजेस में जाके आपको कस्टमाइज कैसे करना, ठीक है। अब कस्टमाइज कैसे करना वो भी सब लोग को आता है, क्या बोल रहे कस्टमाइजेशन में क्या ही है सर, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, हाँ बस बस वही चीज, बट स्टिल सर, हाँ नहीं 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 वो चीज मत बताओ, यस सर आप बोलो सर। एक चीज
तुम लोग है ना टैंपलेट पे टैंपलेट पे टैंपलेट डालते रहते हो, जो पुराने वाले हैं उसे कोई डिलीट नहीं करता, और बोलते हो सर इतना सारे पेज आ गए, जादू हो गया। जादू नहीं होता है सर, वो पुराना अगर टेम्पलेट कैसे डिलीट करने का एक बार बता दो ना। सिंपल है, पेज में आओ, पेज में है ना सारे को सिलेक्ट करो एंड मूव टू ट्रैश पे क्लिक करो। मैं नहीं करूंगा, मेरे इंपॉर्टेंट पेज है सारे, ठीक है, मेरे को कोई उड़ाना नहीं है। तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप नया टेम्पलेट यूज करो। और एक और चीज कर सकते हो, तो आपकी जो प्लगइन्स भी है ना, एक प्लगइन को छोड़ के सारे प्लगइन उड़ा दो। अब मैं टेम्पलेट क्यों सबसे बेस्ट बात बोल रहा हूँ पता है, टेम्पलेट की मैं सबको आपको बेस्ट चीज आज बताता हूँ। टेम्पलेट में सबसे बेस्ट चीज ये है, अगर आपको अगर थीम इंस्टॉल करते हो, थीम के साथ आपको सारे बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन्स चाहिए रहते हैं ना, वो टेम्पलेट को यूज कर, थीम को यूज कर, वो सारे आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। थीम में ना अगर आप जब थीम इंपोर्ट करते हो ना, तभी सारे प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियली चीज है, तो गाइस इससे कभी मिस मत करना। हाँ हृदय, अब आप कंटिन्यू। बस सर यही बताना चाहते थे, इससे ज्यादा तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली कंटेंट क्या बनाना है, लिखना है आपको, आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत लोग को दिक्कत आती है, गाइस 5 पेज आते हैं मैं बनाने कुछ भी करके, ठीक है। हम पोस्ट पे, मैं अभी जानबूझ के हम नहीं जा रहे, क्योंकि आई वॉन्ट एवरी वन टू मेक अ बेसिक लेआउट एंड अ बेस्ट डिजाइन ऑफ देयर वेबसाइट, ओके, सो दैट हम आने वाले टाइम में, ठीक है, वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट कॉन्टेंट ऑफ योर्स, ठीक है। आपको जो भी आता है वो हम बहुत ही बेहतरीन से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड यस, इसका फायदा सिर्फ इतना स्टार्टर टेम्पलेट का, यू गेट मोर क्रिएटिव फ्रीडम देन अ नॉर्मल थीम, ठीक है। क्रिएटिव फ्रीडम एक चीज होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो गाइज, एक्स्ट्रा ऑप्शन में जाके भी आप यहाँ पे अपलोड लोगो वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज वही चीज है, बस सर इतना ही बताना चाहता था मैं, मैं ठीक इसमें एक है। और चीज बाकी ऐड ऑन सब, करना चाहूंगा। हाँ आप है सर, हाँ ना सर, बोला बोला। अपीयरेंस पे जाके एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे जाओ, आपको यहाँ से भी टेम्पलेट के बारे में पता चलेगा, और थीम में क्या क्या चीजें है ना, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी 10 मिनट है हमारे पास, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ना, आपको सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा। आपके थीम में क्या क्या मिलता है और क्या क्या है, यहाँ पे नीचे देखो, और क्या क्या चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्टिवेट करके एड ऑन कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। हाँ तो गाइज, मतलब ये चीज पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी थीम डाउनलोड करके ये चीज सर्च करते थे यूट्यूब पे, ठीक है, कि यार हाउ टू यूज दिस थीम। बट यहाँ पे एस्ट्रा में बेस्ट चीज क्या पता है आप लोग को, है ना, इसी एस्ट्रा ऑप्शंस के अंदर ही पता चल जाए कि आपके थीम की और खासियत क्या क्या, स्पेसिफिकेशन क्या क्या, फीचर्स क्या क्या जो आप यूज कर सकते हो। अब तक आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट खोली, देखा, कर लिया, बट यहाँ पे आपको और डीप में चीजें पता चलेंगी। तो गाइज ये जरूर एक चीज एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमने ये चीज ज्यादा कवर नहीं की है। तो आज हमने बता दिया है टाइपोग्राफी के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, सारी चीज आप देखो, कलर्स के बारे में, ठीक है, बिकॉज हर एक थीम की अपनी अपनी खासियत है, हर एक टेम्पलेट की अपनी अपनी खासियत है, तो वो चीज यहाँ देखो। देखो यहाँ पे आप एक काम, आपको समझ में नहीं आता ये कि चीज क्या है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लर्न मोर पे जाके देख सकते हो अपनी चीजें, वो वहां पे आपको पूरा बता देगा क्या कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। सोच रहे हो स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एक इमेज के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कंटेंट कैसे डाल सकते हैं, क्या है टाइपोग्राफी, सारी चीजें आपको डिजाइनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज अब तक आपने किसी ने नहीं देखी ना, सबसे बेस्ट चीज, ठीक है। अगर आपको किधर और जाके सीखने की जरूरत नहीं है, अगर मोबाइल का हेडर मेरे को देखना है कैसे हो सकता है, दिया है एक्स्ट्रा, इसके लिए मैं सबसे बेस्ट बोल रहा हूँ, इसमें सारी चीजें बताइए कैसे। देखो आप इस पे मैं क्लिक करूंगा, वीडियो प्ले हो गया अपने आप, कैसे करते दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा दिख रहा है चेंज, यस सर, लोगों की वेट कैसे बदल सकते हो, लोगों कैसे ऐड कर सकते हो। आप सोच रहे हो आपको एक एक चीज के बारे में अपने आप पता चलेगा,
और उसके लिए कौन से प्लगइन्स ऐड करने हैं वो भी बताएगा। सारा सजेशन आपको है ना यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस इसे एक्सप्लोर करो, जितना ज्यादा एक्सप्लोर उतने बड़े बन सकते हो। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना। हृदय जी आप अब बोलो, मैं एंड कर देते। हाँ सर, बस सर इतना ही बताना था मुझे, सारी चीजें करो। और ये वही चीज है, अभी भी बहुत लोग यहाँ पे वेबसाइट पूरी नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ठीक है, वैसे आपके ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ना करो, बट यस इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको सारी चीज सिखाए। एंड यस मैंने कल ही सबसे बात की थी कि यार हम एक एक बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे फोन करो, अमित सर को फोन करो, करने तो अमित सर को फोन करो, ठीक है, वो आपको बताएंगे क्या लिखना है, कैसे चीज क्या करनी है, अबाउट अस पेज में क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे सारी की सारी चीजें। बट गाइस वही चीज है ना, हम आपको सिखा रहे हैं, नाउ वी वांट ऑल थिंग्स टू बी इंप्लीमेंटेड। अगर हमने, सच बता रहा हूँ, मैं जितने 5 पेज बोले उतने नहीं दिखे, और आपने मुझे पूछा भी नहीं कि सर सॉरी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना। तो गाइस फिर देख लेना, ठीक है, मैं आपकी वेबसाइट ही उड़ा दूंगा, फिर आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यार वही चीज है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि यार हमने इतना सारा टाइम निकाल के आपको बता रहे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, यस यू आर गेटिंग टू लर्न एवरी डैम थिंग। अमित सर आप एंड कर दो, ठीक है, एंड करने के बाद गाइस जिस जिस की वेबसाइट नई डिजाइन हो, चाहे रिया जी हो, निहारिका जी हो, आप लोग भी हो, बहुत टाइम से आप लोग दोनों पे भी वेबसाइट पे कुछ नया नहीं आया, तो गाइज मुझे फोन करो, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा दिमाग खा रहे हो, प्लीज, मुझे उल्टे खुशी हो कि आप लोग सीखना चाहते हो, ठीक है। मैं सबके लिए एक ही जैसा हूँ, मैं किसी को पार्शलिटी कभी नहीं करता हूँ। जो मेरे को हमेशा पूछता है, मैं उसे आगे बोलता हूँ कि बेटा तू और आगे कैसे क्या कर सकता है। बिकॉज यस गाइस सिर्फ ऐसा नहीं है सीआईपीएल आपको सिर्फ यू नो क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट बना रहे, सेल करा रहे, ये कराओ पैसे कमाओ ये जाओ। गाइज वी आर मोर देन दैट, जहाँ आपकी कॉलेज सोच भी नहीं पाती ना, एक नॉर्मल कॉलेज, और ये स्पेशली इन लॉकडाउन टाइम्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन के वक्त में बहुत सारी कॉलेज बंद हो गई है, कॉलेज आर नॉट हैविंग प्लान ऑफ हाउ कैन वी गिव अ गुड प्लेसमेंट टू अवर स्टूडेंट्स। वही जगह पे ना सीआईपीएल ने, सच बता रहा हूँ गाइज, हजारों बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। ये वेबसाइट आपको आज बहुत छोटा लग रहा है, अमित सर मैं सजेस्ट करूंगा आप वो चीज दिखाओ सर, प्लीज सर, अपने व्हाट्सएप पे जाके दिव्या गंडरोता मैम की पोस्ट, वो मैं इनको सबको बताना चाहूंगा अभी के अभी। यहाँ पे जो सोच रहे हैं ना कि यार ये सबका स्कोप क्या है, मैं बताता हूँ ये सबका स्कोप क्या है। आप वो सर, आप दिव्या गंडोत्रा मैम का सर वो दिखाना, मैं सब बताना चाहता हूँ एक्चुअली सबको। जितने भी लड़कियां हैं स्पेशली यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोग के लिए, ऐसा है ना कि यार ये हमारी फील्ड नहीं है, ये कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, इसके सिवा, डिजिटल और इंटरनेट के सिवा कोई भी चीज इस दुनिया में आने वाले टाइम में काम ही नहीं आने वाली। कहीं पे भी चले जाओ, आप कोई भी फील्ड में क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आपको अगर इंटरनेट की नॉलेज है ना, यू विल बी अ वेरी यू नो क्या बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर फील्ड। हेलो हृदय जी आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ, कहाँ पे शेयर किया मेरे को वो बताओ मेरे को। सर अपने आपला महाराष्ट्र में किया। मैं आज आपको जो पर्सन से मिलवाने वाला हूँ ना, हाँ यही 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 था, देखो मैम का फोटो भी आया था, ऊपर जाओ, हाँ देखो ये, जाओ ऊपर और ऊपर जाओ। अच्छा उनकी खुद की बुक भी तो है ना एक, यही तो बताना चाहता हूँ मैं। हाँ देखो गाइज ये कौन है, हर नेम इज मिस दिव्या गंडोत्रा एंड सी इज एसोसिएटेड विद सीआईपीएल फ्रॉम पास्ट 6 इयर्स। याहू, ये देख रहे हो याहू है वो, याहू हैज put an article on Divya Gandotra ma'am. She is a girl from Jaipur, all the way from Jaipur. She has her own digital marketing agency name as EMIAC. EMIAC. She is helping students, she is helping content creators, she is helping influencers to put out the best content all over on the internet. And yes, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, she is among the 1% content writers of the world. आप लिखते हो ना जो content,
कि सर मैं बहुत अच्छा लिख लेती हूँ। आप जितना अच्छा लिखते हो ना, ठीक है, ये उनकी भी क्वीन है, शी इज अमाउंट, शी इज द वेरीफाइड ब्लू टिक पर्सन ऑन द वेबसाइट नेम इज अपवर्क। बेसिकली जो भी फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अपवर्क या ऐसी वेबसाइट से ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। एंड यस शी इज ओके अमंग द 1% कंटेंट राइटर्स। उन्होंने अपने करियर में पिछले 3 सालों में $60,000 से ज्यादा रुपए अर्न किए जस्ट बाय, देखो ये चीज। यस उनकी खुद की एक बुक भी है, ठीक है, दैट इज फ्रीलांसिंग मास्टरी। ओके जो लोग बोलते हैं कि CIPL में सिर्फ और सिर्फ हम सेल कराते ये कराते, ये पूरा का पूरा IT दिखा रहा हूँ मैं। उल्टे का HR पार्ट में तो कुछ न्यू चीज आ ही नहीं रही है, वही कराना है नॉर्मल जो चीज है। बट गाइज दिस इज द लेवल, एंड ये तो सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है, ये फिर भी बता रहा हूँ मैं, आप ये बुक खरीद भी सकते हो, ठीक है। डिजिन प्रो ये उनकी वेबसाइट नहीं है, दिस इज एक्चुअली द वेबसाइट ऑफ CIPL, ठीक है, जो फ्रीलांसर्स के लिए बनी हुई है। दिव्या गंडरोता मैम की वेबसाइट में बताना चाहूंगा, सर न्यू टैब खोले मैं उनकी वेबसाइट का आपको बताता हूँ। हृदय जी बस एक मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आप पर्सनली शेयर कर दो उनको उनकी वेबसाइट। श्योर मैं सबको पर्सनली शेयर कर दूंगा, मैं सबको पर्सनली बताऊंगा। सो गाइज देखो बहुत बड़े लेवल पे जा रही है सारी चीजें। ओके तो गाइज आप लोग जो कर रहे हो उसे और शिद्दत से करो बस। तो गाइज हम इस चीज को एंड करते, अब ज्ञान तो बहुत मिल गया, अब इम्प्लीमेंट करने की बारी, ठीक है। आप जितना इसमें एक्सप्लोर करोगे चीजें, बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, जितना सीखोगे उतना ज्यादा है, कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो गाइज सीखना शुरू करो, क्योंकि आज मैंने एक बहुत मस्त स्टोरी सुनी थी, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बताने जाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो सीखना स्टार्ट करो और सीखते रहो लाइफ टाइम तक। इसी के साथ ये मीटिंग एंड करते हैं। आपको मजा आया तो स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आपने देखा कैसे हम अपनी वेबसाइट का UI/UX बढ़िया कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा। आपको अपनी वेबसाइट कैसे डिजाइन करनी पड़ेगी, लोगों को कैसे पसंद आए आपको वो देखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जो फेसबुक इंस्टाग्राम आप जो सोशल मीडिया यूज करते हो, आपको पता है लोग है ना UI/UX के पीछे ना लाखों रुपया खर्च करते, लाखों मतलब लाखों, क्योंकि आज हम यूट्यूब इंस्टाग्राम कोई भी चीज की बात करो हम इतने देर क्यों रहते हैं, क्योंकि है ना हमें वो चीजें स्क्रॉल करने में मजा आती है, देखने में मजा आती है। वैसे अगर लोगों को आपकी वेबसाइट का एडिक्शन हो गया तो सोचो आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो गाइस जस्ट इमेजिन अगर आपको UI/UX डिजाइन करने आ गया आप कितना पैसा छाप सकते हो गाइस। तो ये चीज को समझो। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो आप इस कमेंट में मेरे को लिख के बताओ मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो। एंड सेकेंड चीज, अगर आप हमारे पार्ट बनना चाहते हो हमारी टीम का, अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना और मेरे थ्रू सीखना और मेरी टीम के साथ, अगर आपको मेरी टीम के बारे में जानना है तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है हमारा ऑफिशियली ग्रुप का, आप जाके वहां विजिट कर सकते हो और वहां से मेरे को बोल सकते हो। अगर आपको जानना है तो आप वहां पे DM करो या कमेंट में जो लिंक दी है आप वहां पे फॉर्म भरो, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। हम सिर्फ टॉप 50 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो गाइस आप टॉप 50 में आना चाहते हो तो गाइस जल्दी से जल्दी जाओ फॉर्म भरो, हम सिर्फ 50 लोगों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइस जाओ फॉर्म भरो एंड हमारी चीज का पार्ट बनो। अब सेकेंड चीज, सॉरी थर्ड चीज, अगर आपने अब तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। एंड सेकेंड चीज, अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, ऐसे ही सारे वीडियोस देखने के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देखने के लिए और सीखने के लिए।
एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मेरे को मोटिवेट करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार दो, क्योंकि मेरे को भी पसंद नहीं है जो मेरे विजिटर्स को पसंद। तो गाइज आपको जो भी लगता है करो, एंड एंड ऑफ दी मैं हूं धर्म शर्मिंद, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ITFaceOff.com, फिर मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।